सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो फ्रेंड आज का जो ट्यूटोरियल है ना गाइस, इस ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा प्रीव्यू का जैसा फायर क्रिक करके साथ मूविंग कैरेक्टर ग्लू वीडियो बनाना। और ना फ्रेंड अगर आप रियली में प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाना चाहते हो तो ना गाइस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा एंड देन वीडियो को आपको समझना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख करके पैक को डाउनलोड करके निकल जा रहे हो तो बाद में मुझे अब्यूज मत करना ये बोल के कि मेरा वीडियो तो बन ही नहीं रहा। अगर आपको सच में प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाना है तो वीडियो को पूरा देखना है, देख करके आपको समझना है। और फ्रेंड आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज एंड प्लीज मेरा वीडियो को बिना डाउनलोड करे आप लोग देखिएगा। सो फ्रेंड कम लेट्स गो टू आवर टुडेस ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। कैन मास्टर को ओपन करके आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा एंड देन आपको 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ना गाइस आप जिस भी वीडियो के अंदर ये इफेक्ट डालना चाहते हो आपको वो वाला वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन अभी आप जिस भी पोजीशन पर ये इफेक्ट लगाना चाहते हो आपको वो वाला पोजीशन पर जाना होगा। जाकर के ना गाइस आपको क्लिप पर क्लिक करना होगा, सीज वाला आइकन पर क्लिक करके स्प्लिट प्लेहेड पर क्लिक करके कट लगा देना है। देन अभी ये इफेक्ट जहाँ तक रखना चाहते हो वहाँ पर जाकर के फिर से स्प्लिटेड प्लेहेड पर क्लिक करके एक और कट लगा देना है। सो उसके बाद जो आपने दो साइड पर कट लगा करके बीच में क्लिप निकाला है तो गाइस इस क्लिप को रख करके ना गाइस जो दो साइड में क्लिप है ना इन दोनों क्लिप को आपको यहाँ से अभी क्लियर डिलीट करना है जो डिलीट वाला आइकन उस पर क्लिक करके। सो उसके बाद आपको इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है ग्लेरी पर। सो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद ना गाइस आपको बैक क्लिक करना होगा, बैक क्लिक करके ये वाला ऑप्शन पर दो बार क्लिक करना है एंड जो दो वीडियो क्लिप को अभी आपने डिलीट किया था ना थोड़ा पहले वो दो वीडियो क्लिप वापस बैक आ जाएगा। सो उसके बाद अभी आपको ऊपर कोने वाला बैक बटन पर क्लिक करना होगा एंड देन आपको फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है एंड देन एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन आपको बैकग्राउंड का ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके ना गाइस इसका कलर को चेंज करके आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ना गाइस आपको इसका एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना होगा। आकर के आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा एंड देन आपको एक्सपोर्ट वाला फोल्डर के अंदर जाना होगा और जो वीडियो क्लिप को आपने पिछले वाले प्रोजेक्ट पर एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो क्लिप को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके जाना होगा क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर, वहाँ पर क्रॉपिंग पर जाकर के ना गाइस इसको थोड़ा सा जूम करना होगा। जूम करके उसका साइड को थोड़ा सा आपको क्रॉप कर लेना होगा, यानी आपको बैकग्राउंड को ही क्रॉप करना है, इसका जो ये कैरेक्टर है इसको आपको क्रॉप नहीं करना है। क्रॉप करने के बाद ना गाइस आपको ये जो मास्क है इसको इनेबल कर देना है, देन फीडर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, शेप पर क्लिक करना होगा और ना गाइस आपको ये वाला शेप को सिलेक्ट कर लेना और आपको फिर से थोड़ा सा फीडर को एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको बैक क्लिक करना होगा, बैक क्लिक करके ये जो लेयर है ना गाइस इस लेयर का बराबर आपको ऊपर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर लेना है। सो देन अभी आपको इस नीचे का जो लेयर है उसका ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके जाना होगा क्रोमा की पर, देन आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ना गाइस आपको नीचे में की कलर पर क्लिक करना है और की कलर पर क्लिक करने के बाद आपको कलर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा और आपको अपना कैरेक्टर का बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा जो कैरेक्टर है इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रीन टाइप है, मतलब ग्रीन नहीं डार्क ग्रीन टाइप कलर है, तो मैं फटाफट डार्क ग्रीन टाइप कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आपका जो भी कैरेक्टर का साइड में बैकग्राउंड पर कलर होगा उसको आप फटाफट सिलेक्ट कर लीजिए। कलर को सिलेक्ट करने के बाद ना गाइस आपको ये जो परसेंटेज है इन दोनों परसेंटेज को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है और परसेंटेज को एडजस्ट करके जो कैरेक्टर का बैकग्राउंड कलर है ना गाइस उसको आपको रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने परसेंटेज को एडजस्ट करा हूं लेकिन इतना अच्छा से कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव नहीं हुआ। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से रिमूव हुआ है, लेकिन ना गाइस आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपका एक ही बार में बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक ही बार में अगर बैकग्राउंड कलर रिमूव नहीं होता है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा जो कैरेक्टर है इसका तो बैकग्राउंड कलर रिमूव हुआ है लेकिन ना गाइस अभी भी कुछ ब्लैक टाइप कलर रह गया है। जो ग्रीन टाइप कलर था वो तो रिमूव हो गया है लेकिन ब्लैक टाइप कलर रह गया है। तो इसके लिए ना गाइस अभी आपको क्या करना होगा कि इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है ग्लेरी पर। सो गाइस एकदम फुल्ली एक्सपोर्ट हो जाने के बाद ना गाइस आपको बैक क्लिक करना होगा एंड देन ये जो नीचे में लेयर है ना गाइस इसको डिलीट कर देना है। अभी आपको इसका एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना है, आकर के फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा एंड जो थोड़ा पहले हमने कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव किया था ना गाइस थोड़ा पहले ग्रीन स्क्रीन के साथ एंड देन उसको एक्सपोर्ट भी किया था ना हम लोगों ने, वो वीडियो क्लिप को आपको यहाँ पर अभी ऐड कर लेना। सो ये वाला वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके क्रोमा की पर जाना होगा एंड देन आपको इसे फिर से इनेबल कर देना होगा। इनेबल करने के बाद आपको फिर से ये जो की कलर उस पर क्लिक करना होगा और की कलर पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से कलर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। सो जैसे कि हमने थोड़ा पहले जो रिमूव किया था वो था कुछ ग्रीन टाइप कलर को रिमूव लेकिन ब्लैक टाइप कलर रिमूव नहीं हुआ था, तो मैं अभी यहाँ पर की कलर पर क्लिक करके फटाफट ब्लैक टाइप कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आपका जो भी कलर होगा आपको वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। गाइस यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन टाइप से बता रहा हूँ, एक्चुअली ना गाइस आपका जो वीडियो क्लिप होगा उसका बैकग्राउंड पर कोई अलग कलर भी हो सकता है तो आपको अपना कलर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रीन ब्लैक, तो आपको ऐसा कलर सिलेक्ट नहीं करना है। आपका जो कैरेक्टर का बैकग्राउंड पर कलर होगा वो कलर को सिलेक्ट करना है। आपको अच्छा से देख लेना है कि आपका जो वीडियो क्लिप है उसका बैकग्राउंड पर क्या कलर, जैसे कि मेरा जो वीडियो क्लिप है उसका बैकग्राउंड पर पहले जो कलर था वो ग्रीन टाइप कलर था लेकिन हम लोगों ने ग्रीन टाइप कलर को रिमूव कर दिया, उसके बाद जो कलर निकला है वो है ब्लैक टाइप कलर, तो अभी मुझे ब्लैक टाइप कलर को रिमूव करना होगा। सो गाइस आई होप कि जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आप सभी को समझ आ रहा है। सो गाइस मैं फटाफट की कलर पर क्लिक करके ब्लैक एंड ग्रीन टाइप कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से इन दोनों परसेंटेज को एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करके जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको रिमूव कर लेना है।
सो गाइस यहां पर तो मैंने वीडियो का बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया, लेकिन एक बार मैं वीडियो को प्ले करके अभी देख लेता हूं। लेकिन गाइस देख सकते हो आप लोग सब कुछ सही है, एकदम अच्छा से बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग से थोड़ा आगे तक ना गाइस अच्छा से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, जैसे कि यहां से लेकर ऑलमोस्ट मिडिल तक। तो यहां पर मैं आ जाता हूं मिडिल पर और क्लिक करता हूं सीजर वाला आइकन पर, एंड देन इस पर क्लिक करके आपको स्प्लिटेड प्लेहेड पर क्लिक करके काट लगा देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके क्रोमा की पर जाना होगा, एंड देन इस परसेंटेज को एडजस्ट करके बैकग्राउंड का कलर को रिमूव कर लेना है। और आपको यह काम तब करना है अगर आपका वीडियो क्लिप का बैकग्राउंड अच्छा से रिमूव नहीं हो रहा है। अगर एक ही बार क्रोमा की से बैकग्राउंड रिमूव करने से हो जाता है तो गाइस आपको इतना काम करने का जरूरत नहीं, एक ही बार रिमूव करके तुरंत एक्सपोर्ट कर लेना है। सो उसके बाद मेरा जो वीडियो क्लिप है ना गाइस, इस वीडियो क्लिप का कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हुआ है, जो कि काफी ज्यादा सही है। सो अभी आपको इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना होगा गैलरी पर। सो गाइस एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको बैक क्लिक करना होगा। बैक क्लिक करके ना गाइस ये जो जितना भी लेयर है इन सभी को आपको यहां से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद ना गाइस आपको ऊपर कोने वाला बैक बटन पर क्लिक करके आपका जो ओल्ड क्लिप था उसको ओपन कर लेना। ओपन करके कट वाला जगह यहां पर जाना होगा, जाकर के मीडिया लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और एक्सपोर्ट फोल्डर से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। जो हम लोगों ने थोड़ा पहले वाला प्रोजेक्ट पर ग्रीन स्क्रीन बनाया था ना गाइस, कैरेक्टर का ग्रीन स्क्रीन, वो वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो को आपको यहां पर ऐड कर लेना है। ऐड करके ना गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना होगा, करके जो क्रॉपिंग वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आपको इसका जो साइड है उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना होगा। क्रॉप करने के बाद ना गाइस आपको मास्क को इनेबल करके फीडर को फुल कर देना है, एंड देन आपको बैक क्लिक करना है और क्रोमा की पर क्लिक करना होगा, एंड देन इनेबल कीजिए। क्लिक करके जो ग्रीन कलर है उसको सिलेक्ट करके ये जो परसेंटेज है इन दोनों परसेंटेज को एडजस्ट करके ग्रीन कलर को रिमूव कर लेना है। एंड देन बैक क्लिक करके इस कैरेक्टर को जो मिडिल वाला कैरेक्टर है ना गाइस इसका ऊपर आपको अच्छे से सेट कर देना होगा। सॉरी गाइस यहां पर आपको ये जो कैरेक्टर है ना गाइस इस कैरेक्टर को मिडिल वाला कैरेक्टर के साइज के बराबर करना है। बराबर करके ये साइड में कुछ इस तरीके से ला करके आपको सेट कर देना होगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ना गाइस सेट हैंडल करने के बाद आपको ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे आपको डुप्लीकेट कर लेना है। रुको मैं फटाफट डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एंड ना गाइस इस साइड पर भी ला करके इस कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से आपको सेट कर देना है। सो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा। लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको नियोन एज इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस अगर आपका कैन मास्टर पर नियोन एज इफेक्ट नहीं है तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहो, एंडिंग पर मैं सोल्यूशन दे दूंगा नियोन एज इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ना गाइस कुछ इस तरीके से पहले सेट कर लेना होगा, इसके लेंथ के बराबर कर लेना है ट्रिम करके। उसके बाद ना गाइस आपको इसका सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पर जाकर के ना गाइस ये जो डिस्टेंस है इसको जीरो कर देना है, देन स्पीड को आपको 13 कर देना होगा, 13 या 12। उसके बाद आपको इसको जो यहाँ पर ब्राइटनेस है उसे जीरो कर देना है, देन एचडीआर को थोड़ा सा आपको डिक्रीज इंक्रीज कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर क्लिप। सो उसके बाद अभी आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना होगा, करके जो ये मोड है मोड से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये कलर है एक्चुअली, तो यहाँ पर किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये जो स्पीड है उसको जीरो कर देना होगा। स्पीड को जीरो करने के बाद बैक क्लिक कीजिए। बैक क्लिक करके ना गाइस आपको ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को थोड़ा सा छोटा करके कैरेक्टर का ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके जाना होगा शेप पर। शेप पर क्लिक करके ना गाइस आपको ये वाला शेप को सिलेक्ट करके फिगर को फुल कर देना है, आप बैक क्लिक कीजिए और इस इफेक्ट को थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करके थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट करना है, एंड देन मिडिल वाला जो कैरेक्टर है इसके ऊपर इस इफेक्ट को सेट कर देना होगा। सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट फिर से कर लेना मिडिल वाला कैरेक्टर के साथ। एंड अभी आपको रुको ये वाला जो साइड में कैरेक्टर है इस न्यू इफेक्ट को थोड़ा सा मैं पहले एडजस्ट करता हूं। एंड देन अभी आपको मैं यहां पर क्लिक करके थ्री डॉट पर फिर से क्लिक करके डुप्लीकेट करना है, एंड देन इस वाला जो साइड में कैरेक्टर है इसके ऊपर भी इस न्यू इफेक्ट को सेट कर देना होगा। सेट करने के बाद अगर आप चाहो तो यहां पर थोड़ा बहुत एडजस्ट हैंडल कर सकते हो, करना है तो कर सकते हो। उसके बाद ना ये जो साइड वाला न्यू इफेक्ट इस पर क्लिक करके सेटिंग पर आपको क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके मोड पर जाना होगा। मोड से अलग कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो उसके बाद आपको इस साइड वाला नियोन एज इफेक्ट का ऊपर क्लिक करना होगा, करके फिर से आपको सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाकर के मोड से इसका भी अगर आप चाहो तो इसका कलर को चेंज करना है तो कर सकते हो। सो उसके बाद अभी आपको अनटाइटल 720p9 बोल के एक पैक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो इस पैक को आपको डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना है। डाउनलोड करना बहुत इजी होता है, इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है डाउनलोड करने का, एंड देन प्लस वीडियो का लिंक भी। ऐड करने के बाद ना गाइस आपको इसका जो लेंथ है इसका लेंथ को ऊपर का जो क्लिप है उसका बराबर आपको कर लेना है। सो उसके बाद अभी आपको इस पैक का ऊपर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको सेंड टू बैक कर देना है इसे। उसके बाद आपको इसको फुल स्कैन कर देना होगा कुछ इस तरीके से, एंड देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके जाना होगा ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग पर जाकर इसे कर देना होगा एंड ब्लेंडिंग पर क्लिक करता हूं, एंड इसी को कर देता हूं स्क्रीन, एंड आप बैक क्लिक कीजिए। और ना गाइस आपको ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो क्लिप इस पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक डुप्लीकेट कर देना, एंड जो मिडिल पर कैरेक्टर उसका ऊपर इस कैरेक्टर को सेट कर देना होगा। सेट करने के बाद ना गाइस आप मिडिल का जो नियोन एज इफेक्ट है उसको ढूंढना है। ढूंढ करके ना गाइस उसका ऊपर क्लिक करना, उसका ऊपर क्लिक करके ना गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, एंड सेंड ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है आपको
कौन सा वाला था, मिडिल वाला, ये वाला था, तो थ्री डॉट पर क्लिक कर ब्रिंग टू फ्रंट कर। तो उसके बाद अभी आपको स्टार्टिंग वाला पोजीशन पर आकर फिर से लेयर पर क्लिक करें, मीडिया पर क्लिक कर बैकग्राउंड पर क्लिक करना होगा और एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ऐड करना है। एंड देन इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। रुको पहले ना गाइस, इसको ट्रिम करके इसके लेंथ को बराबर करता हूँ। एंड देन इसको अभी फुल स्क्रीन करना होगा। फुल स्क्रीन करके ना गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और सेंड टू बैक। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना होगा। एंड देन इसका ओपेसिटी को आपको थोड़ा सा डिक्रीज करना है, अकॉर्डिंग टू योर क्लिप आपको जितना रखना है उतना आप रखिएगा। ओके, सो गाइस इसके बाद आपका जो वीडियो क्लिप है कुछ इस तरीके से लुक देना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फोन है वो लो एंड डिवाइस, और आपको शायद पता होगा कि लो एंड डिवाइस फोन पर काइन मास्टर बहुत ज्यादा लैग करता है, इसलिए गाइस मैं वीडियो को प्ले करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ना गाइस जब भी आप इस तरीके का वीडियोस को बनाने के लिए रिकॉर्ड करने जाओगे ना, तभी ना गाइस आपका जो कैरेक्टर होगा ना गाइस उसको आप रेड कलर का क्लॉथ पहना कर जाना, यानी रेड कलर का बंडल। और ना गाइस जब भी आप इस तरीके का वीडियोस को रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो भी ना गाइस आपको ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं पहनाना है। रेड, ब्लू, पिंक किसी भी कपड़ा आप पहना सकते हो, लेकिन ना गाइस आपको ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं पहनाना है कैरेक्टर को। ओके, सो फ्रेंड्स उसके बाद आपका जो वीडियो क्लिप और रेडी हो जाएगा। लेकिन रुको गाइस, बाय बाय बोलने से पहले आप सभी को नियोन एज इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर आपका काइन मास्टर पर नियोन एज इफेक्ट नहीं है तो इन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस पर मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से नियोन एज इफेक्ट को काइन मास्टर पर डाउनलोड करते हैं। सो गाइस आई होप कि ये टोटल आप सभी को पसंद है। तो गाइस आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।